प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवान देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक राफ्टिंग करते हुए जाएंगे। 2 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक यानी 73 दिनों तक 10 से 15 जवान जल यात्रा करते हुए नजर आएंगे। आईटीबीपी के डीजी श्री कृष्ण चौधरी ने बताया कि यात्रा के दौरान जगह जगह से पानी के सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए प्रदूषण विभाग को भेजा जाएगा और प्रतीक के रूप में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जगह जगह के स्थानीय लोग स्कूली बच्चों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। 2500 किलोमीटर की राफ्टिंग एक्सपीडिशन करेंगे जो 73 दिनों तक चलता रहेगा और उसमें 50-52 जगहों पर पड़ाव होंगे जिनमें 12 तो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां सम्मान समारोह भी आयोजित होंगे। उनमें योजना है हमारी कि स्थानीय लोगों से जो स्कूली बच्चे हैं जो प्रेस एंड मीडिया है उन सभी से संपर्क करके जागरूकता को प्रोत्साहित किया जाए। सॉयल इरोजन को रोकने के लिए वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे जहां जहां पोल्यूटिंग पॉइंट्स हैं ताकि उन पर आगे रिसर्च हो सके।